जय गणेश गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न कर दूरी हमारी मम बन ने स्वीकारी करो प्रभु चरण शरण हम आए तिहारे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देव हरि अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो प्रसादं कुरु मे प्रभो जब हम हरि बोलते हैं हरि ओम के पहले हरि बोला जाता है ताकि यस्य उच्चारण मात्रेण सिर्फ हरि बोल देने से ध्यान से सुनो और देखो है इधर हरि उच्चारण मात्रेण हरति पातकानि इति ही हरि हरि नाम कहो भगवान का नाम प्रेम से अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है प्रेम से ले तो फिर बात ही क्या है एक व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता था ना कभी सत्संग में जाता था ना कभी मंदिर में जाता था ना कोई सत्कर्म करता था सौभाग्यवश उसके घर संत आए जीवन में संतों का आना सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है सच कहो तो असली जीवन की शुरुआत तभी होती है जब जीवन में गुरु होते हैं जब आए जीवन में गुरु तभी हुआ जीवन शुरू नहीं तो जब तक जीवन में सदगुरु नहीं तब तक जीवन यूं ही निरर्थक और व्यर्थ ही चला जाता है यूं कहो कि जीवन जीने का ढंग ही नहीं आता
जीवन जीने की कला अगर कोई सिखाते हैं तो वो सच्चे सदगुरु ही सिखाते हैं, क्योंकि सहजो कारज संसार को गुरुविन होत नाही, हरि तो गुरुविन क्या मिले। लेकिन ऐसे संत भी भगवान की कृपा से ही सुलभ होते हैं, प्राप्त होते हैं। पापी व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता, गुरु तो दूर की बात है। अगर मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन में अगर सत्संग ना मिला, सदगुरु ना मिले, तो मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं। सुत दारा और संपत्ति ये घर घर होए, पापी व्यक्ति को भी बहुत मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जीवन में कोई सच्चे संत मिल जाए, जीवन में संत आ जाए तो जीवन में वसंत आ जाए। समझते हो वसंत? अभी पतझड़ की ऋतु शुरू होगी, वृक्षों से लताएं पत्ते सब गिर पड़ेंगे और फिर नई कोपलें फूटेगी और नए पुष्प आएंगे, नए फूल खिलेंगे, वसंत आएगा। ये वसंत तो बाहर का है, साल में एक बार आता है और फिर चला जाता है। पत्ते फिर मुरझाते हैं, फिर झड़ते हैं, फिर खिलते हैं, ये बाहर का वसंत है। ऐसे ही जीवात्मा भी बार बार जन्मता है, फिर बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और ये श्रृंखला सतत जब तक चालू होती है, जब तक जीवन में कोई सच्चे संत नहीं आते, असली वसंत नहीं आता। और असली वसंत तभी आता जब जीवन में सदगुरु आते हैं। ईश कृपाविन गुरु नहीं, और गुरु भी ईश्वर की कृपा से ही हमको मिलते हैं और गुरु कृपा से प्रभु मिलते हैं। तो कोई ना कोई सत्कर्म, कोई ना कोई पुण्य, कोई ना कोई हमारा माता पिता का या हमारा कोई ना कोई ऐसा अच्छा कर्म भगवान को भा गया, तभी भगवान सदगुरु तक, सत्संग तक हमें पहुंचा देते हैं। और जो सत्संग में पहुंच जाता है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे बारो मास। और इसलिए कहा, तीरथ नाहे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। और इसलिए कहा, संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो आप जो भी पधारे हैं, आज पैदल चलकर आए हैं सत्संग में, तो कहते हैं एक एक पग चल के जाते हैं, जहां सत्संग होता है वहां आपको एक एक यज्ञ करने का, कोटि कोटि हजारों हजारों यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए संत दर्शन की महिमा है। ब्रह्मज्ञानी संतों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। कबीरदास जी ने कहा, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, कई कई बार करने को कहा। या तो साल में, दो साल में कभी सत्संग होता है तो भी हमें फुर्सत नहीं मिलती। घर में बैठ करके या तो सोए रहेंगे, या टीवी के आगे बैठे रहेंगे, या मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन सत्संग में नहीं पहुंच पाते। सत्संग में वही पहुंच पाते हैं जिनके जीवन में पुण्याई हो। तुलसी पूर्व के पाप से हरी चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार, कई बार, कई बार नहीं कर सके दिन में, कर एक बार, दूजे तीजे नहीं करे चौथे दिन कर जाए, चौथे दिन नहीं करे तो सातवें दिन कर जाए, सातवें दिन नहीं कर सके पाक पाक कर दे 15 दिन में एक बार करे, 15 दिन में भी नहीं तो मास मास कर। इसलिए कई सारे भक्तजन साधक पूनम व्रत लेते हैं। पूर्णिमा के दिन बापूजी बाहर थे तो पूज्य बापूजी के दर्शन हेतु जहां भी बापूजी देश के किसी भी कोने में हो पहुंच जाते थे,
क्यों पहुंच जाते थे? क्योंकि पता है दर्शन, संत दर्शन से, सदगुरु के दर्शन से क्या मिलता है? क्या मिलता है? बोले जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन करके सुरूर मिलता है। नूर माने नजर उनकी जो हम पर पड़ती है तो हमारे पाप, हमारे संताप, हमारा दुख, हमारा दारिद्र सब मिटने लगता है। और यहां जो बापूजी के दर्शन जिन्होंने किया उनको पता है कि जब बापूजी हमारी तरफ देखते हैं या हम बापूजी की तरफ दर्शन करते हैं तो हमें कुछ विशेष आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? जिन्होंने दर्शन किए गुरुदेव के और जिनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम बापूजी को देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, हाथ ऊंचा करो। अच्छा, बच्चे भी कर रहे हैं, आपने भी देखा है, फोटो में देखा है छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि कहा है नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो सदगुरु की नजर में आ जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उनकी आंखों से भी अमृत बरसता है, उनकी वाणी से भी अमृत बरसता है। इसलिए कहा जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन से सुरूर मिलता है, आ जाता है सच्चे दिल से मेरे बापूजी के दरबार, उसे इस दरबार से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। और मिलता है तभी तो इतना इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी साधकों की श्रद्धा, साधकों का प्रेम, साधकों का विश्वास, साधकों की आस्था डगमगाई नहीं। क्योंकि ये सदगुरु का दर है, यहां मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले, निंदक चाहे कितने भी निंदा कर ले, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि सच्चे गुरु भक्त कहते हैं, अरे निंदकों, कुछ तो है मेरे सदगुरुदेव में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। तो अपने दीवानों के लिए सदगुरु कहते हैं कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना। और आप जो आए हैं ना, सब छोटे बच्चे बड़े सभी रानापुर वाले सब दिलदार लोग हैं। दिलदार कई लोग दिल से बड़े कंगले होते हैं, कंगाल होते हैं। भले आपके पास बाहर की संपदा नहीं, लेकिन भीतर से जिसको भगवान के प्रति प्रेम है, जिसको सदगुरु के वचनों के प्रति प्रेम है, सदगुरु से प्रेम है, वो सच्चा दिलदार है। बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े तो आप जैसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा, प्रीति और विश्वास गुरु चरणों से जुड़ी होती है, तभी तो आप आए। और इसलिए कहा है बापूजी कहते हैं, दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जखम खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन बापू के बने हो तो लगातार बने रहना, लगातार बने रहना। और ये लगातार वाले आए, कभी कभार वाले होते तो नहीं आते। नेता है ना, नेता लोग कभी कभार आते हैं, नेता छाप जो साधक होते हैं वो कभी कभार आते हैं, लेकिन भक्त होते हैं वो देश के किसी भी कोने में रहे, कहीं भी रहें, लेकिन सदगुरु से सच्चे दिल से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, श्रद्धा से जुड़े हैं, भाव से जुड़े हैं।